आप कहाँ से आए? नालंदा जिला, पटना जिला से, दोनों से। पटना जिला में मेरा घर हुआ, नालंदा जिला में काम करते हैं। क्या नाम है? अभिमन्यु कुमार वर्मा। यहाँ पर आने का मुख्य कारण? आप बस बाबा से को दर्शन करने के लिए आए। बिहार में पहली बार आ रहे हैं बाबा? बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं, गर्व की बात है ये हमारा हिंदू सनातन। समूचे बिहारी उनके भक्त बहुत हैं, पूरा बिहार। और बिहार में वो पहली बार, और उन्होंने कहा था कि पूरा बिहार के हम गोड़ लगाता नहीं जी। तो आप सभी उनके यहाँ पधारे जितने भक्ति भाव से, क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत इमोशनल भी लग रहे हैं। इमोशनल तो पता नहीं, ये हम भी नहीं जानते हैं, बाकी वो धीरेन्द्र शास्त्री जो सरकार हैं वही जानते होंगे। सबका आत्मा का बात वही पढ़ते हैं, और इमोशनल होने वाला बात जो है ना, रोइए नहीं। दरबार में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा कुछ होने वाला है। पता नहीं इमोशनल ना हमारा कोई इस चीज़ से, ये ऐसा लगता है कि हम किसी चीज़ से तकलीफ है या बहुत तकलीफ में चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, ना ज़्यादा खुश हैं, फिर भी आँख आप अपने आप भर जाना, ये तो हमें भी पता नहीं है कि काहे भर जाता है। भगवान की कृपा है, बजरंग बली की कृपा रहेगी। ऐसे गुरु जी का कहना एक ही है कि जो जिसका किसी चीज़ के मतलब देख करके इमोशनल होने के बाद जिसका आँख भर जाता है, वो अपने आप में ये महसूस करने लगे कि उनके पर गुरु जी का और सन्यासी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बस हम यही कहते हैं कि आशीर्वाद हो सकता है उन्हीं का, ये मेरे साथ हो रहता है, हमें पता नहीं है क्या हो रहा है। जब आपका क्या नाम? हमारा अजीत यादव नाम है। कहाँ से आए हैं अजीत जी? हम यूपी से आए हैं, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। यूपी आजमगढ़? हाँ, यूपी आजमगढ़ से, ग्राम यूसुफपुर से आए हैं जी। आप यूपी से यहाँ पर आए हैं सिर्फ दर्शन करने के लिए? दर्शन करने के लिए आए हैं, बाबा का स्वागत है। इसके पहले हम यूट्यूब पर देखे थे, यूट्यूब पर देख के फिर बनारस में इनका कथा हो रहा था, वहाँ पर भी अटेंड किए थे 3 दिनों के लिए। वहाँ दिव्य दरबार में भी हम शामिल थे। हाँ, दिव्य दरबार हुआ था यहाँ। दिव्य दरबार 15 तारीख को लगेगा। हाँ, हम 15 तारीख 17 तारीख तक रहेंगे। अगर ये 10 दिन रहेंगे बाबा तो हम 20 दिन रहेंगे यहाँ। हाँ, इतना भाव हमारा है। पानी है मेरे पास? यहाँ पर कोई आपको दिक्कत बुझाया या कुछ ऐसा? किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, खाने पीने सोने नहाने की सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई, हॉस्पिटल तक यहाँ सब है जी, बिल्कुल। हाँ हाँ, सब है यहाँ पे। आप कहाँ से आए? मैं तो हाजीपुर से आई हूँ, ज़्यादा दूर से नहीं आई हूँ। देखिए बात ज़्यादा, अगर कोई बगल के गांव से भी नहीं आता है तो लोग उनको वो कहते हैं, लेकिन अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आपका भक्ति और वो बागेश्वर धाम का जी जी, बागेश्वर धाम सरकार जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही मेरी मतलब भाव है, प्रकट है। और मैं सिर्फ दर्शन के लिए उनके हैं कि सन्मुख मैं उनको साक्षात अपने आँखों से अपने नज़र से देख पाऊँ, बस यही भाव लेकर मैं आई थी। कब से आप बागेश्वर धाम जी को फॉलो कर रहे हैं? मैं पिछले 1 साल से यूट्यूब पे देखी थी, जस्ट ऐसे ही मोबाइल चला रही थी तो अचानक में आ गया। मैं सोची कि बहुत सारे बाबा हैं, मैं सोची ये कौन से बाबा, नए नए लड़के आ गए हैं। फिर मुझे मैं उस चीज़ को देखती रही, फिर लगा कि नहीं ये नए तो हैं बट ये साक्षात भगवान का रूप है, ये बजरंग बली का ये दूसरा रूप है समझ लीजिए। कथा भी सुनेंगे, अगर हमारी अर्जी लग जाती, स्वीकार हो जाती तो सौभाग्य की बात होगी। हाँ देखिए, धार्मिक लोग यहाँ पर इतने आए हैं, लोग कहते हैं सनातन धर्म का प्रचार लगातार बाबा यहाँ पर कर रहे हैं, पूरे भारत में घूम रहे हैं, मुंबई हो चाहे जयपुर हो, हर जगह वो जा रहे हैं। हमें होना भी चाहिए, जैसे कि हमारा जो भारत देश है ना वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र है ही, अब घोषित करना है, घोषित होना है। और गुरु जी का कहना है कि घोषित होना है, वो घोषित हो, वो कल छोड़ आज हो, ये हम भी उसका समर्थन करते हैं। हम क्या, पूरा बिहार समर्थन करता है। पाकिस्तान मुल्क एक पाकिस्तान मुल्क हो गया, वैसे हमारा हिंदुस्तान मुल्क होना चाहिए, एक पहचान होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान से हूँ, गर्व से बोले और कहीं सोचे कि हिंदुस्तान का हिंदू है या मुस्लिम भी है, जो भी हो हिंदुस्तान का है, बस ये गर्व वाली बात हम लोग में आना चाहिए। और आपका कहना है कि भले यहाँ पर रहे सभी, लेकिन घोषित हिंदू राष्ट्र हो, सारे समुदाय के लोग रहे,
इसमें इंडियन में इंडिया में लेकिन घोषित हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जी। अच्छा, मतलब एक तो सही बात है क्योंकि जहाँ पर हमारी आबादी नहीं है वहाँ पर तो वो राष्ट्र हिंदू कभी रह नहीं पाया, सेकुलर नहीं रह पाया, और यहाँ पर हिंदू 80% है, फिर भी अगर सभी लोग आज़ादी से रह रहे हैं तो ये हिंदुओं की ही देन है। देन है जी, बिल्कुल। कहने का मतलब है मुस्लिम जो कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ पे भी हिंदू है लेकिन वो मुल्क पाकिस्तान का मुल्क हो गया, दयनीय है वहाँ पे, और वहाँ की अपेक्षा यहाँ पे तो मुस्लिम और हिंदू सब भाईचारा लेकर के चलते हैं। हम लोग तो बहुत अच्छे मानते हैं सभी को, लेकिन वैसा ही होना चाहिए हर जगह मेरे हिसाब से, मैं जो सोच रही हूँ। लेकिन राष्ट्र जो है हिंदू मुल्क होना चाहिए और ये सनातन में हम लोगों को सम्मिलित होना चाहिए और सनातन धर्म हमारी है जो इसको पहचानना चाहिए, ये हमारे कहना। आप कहाँ से? हम नालंदा जिला से आए हैं। नालंदा से बहुत सारे यहाँ पे लोग दिख रहे हैं ना, मेरे इनके साथ आए हैं। इनके साथ? हाँ। एक ही गांव से? हाँ हाँ, एक ही गांव से। गांव से नहीं, टाउन से। टाउन से है। सब तो एक ही है, भारत भी एक गांव ही है, एक परिवार है, पूरा सनातन धर्म एक परिवार है। क्या कहना चाहेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? हम बाबा से मिलने आए हैं। हाँ, आज दर्शन होगा 4 बजे? होंगे, जरूर होंगे। खुश हैं? हाँ खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमें 4 बजे, हम तो अगले 1 तारीख को दर्शन करके आए बागेश्वर धाम पर से। अच्छा, आप छतरपुर गए? छतरपुर से हो आए हैं। अच्छा, फिर अगला 1-1 महीना के अंदर में फिर जाएंगे, अनिश्चित काल के लिए जुड़े हैं। ये नहीं सोचे हैं कि हाँ, गुरु जी कहते हैं कि किसी को मनोकामना है तो 21 बार आप आइए, एक पेशी करिए। हम वो ऐसा चीज़ से नहीं जुड़े हैं, हम ये सोच करके जुड़े हैं कि सब दिन के लिए जुड़े हैं। देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ पर, भक्ति भाव है लोगों का कि वो ऐसे ऐसे कष्ट में भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के तमाम इलाकों से और नेपाल से भी लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि भक्ति भाव किस प्रकार से लोगों में जुड़ा हुआ है। तो देखिए लगातार हम और भी भक्तों से बात करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। वैसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं अंकित शर्मा, प्रचंड न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।